देश में कोरोना की नई लहर और ज्यादा कहर बरपा रही है। अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो डराने वाली हैं, कलेजा कपाने वाली हैं। और अब जरा इन तस्वीरों को हम आपको दिखाते, जरा देखिए ये तस्वीरें जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही हैं, ये विभत्स तस्वीरें रायपुर के भीमराव अम्बेडकर अस्पताल की हैं, जहाँ मॉर्चरी में शवों को रखने की जगह नहीं है। शमशान घाट में भी लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और इसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने शवदाह के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन बढ़ाए जाने की मांग की है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ यहां पर शवों को जलाने के लिए लाशों को इंतजार करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ अस्पताल की मॉर्चरी में शवों को रखने के लिए जगह नहीं है। यह कहर कोरोना की वजह से है। और आपको एक बार फिर बता दें, अस्पताल के मॉर्चरी की एक तस्वीर है जहां पर शवों को रखने की जगह नहीं है और दूसरी तस्वीर शमशान घाट की, जहां पर इंतजार है कि कब नंबर आएगा और कब अंतिम संस्कार किया जाएगा। विपिन चौबे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, ये तस्वीरें जो आ रही हैं ये बड़ी विभत्स तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें भी हैं, लेकिन कोरोना की हकीकत को बयां भी करती हैं। ये तस्वीरें ना देखनी पड़े इसके लिए क्या इंतजाम किया जा रहा है और ये नौबत ना आए इसके लिए क्या कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए, ये नौबत ना आए इसके लिए अगर कोशिश हुई होती तो शायद ये नौबत आती ही नहीं। आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ देश में कितने छोटे राज्यों में उसकी गिनती होती है, लेकिन आज जब कोरोना का दूसरा स्ट्रेन आया है और दूसरे चरण में देश में दूसरे नंबर का राज्य है, इतना छोटा राज्य होने के बावजूद कोरोना के केसेस के मामले में देश का दूसरा नंबर राज्य है, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि सरकारी इंतजाम क्या रहे होंगे, क्या तैयारियां की गई होंगी, और वो तैयारियां अगर मुकम्मल होती तो शायद ये नौबत ना आती। जहां तक बात इन तस्वीरों की है, ये तस्वीर देखिए राजधानी रायपुर की है। जब हालात रायपुर में, राजधानी जहां मुख्यमंत्री रहते हो, जहां स्वास्थ्य मंत्री रहते हो, जहां पूरा महकमा रहता हो, वहां की तस्वीरें जब ऐसी हैं तो आप कल्पना कर सकते हैं कि राज्य के दूसरे हिस्सों में, दूसरे जिलों में स्थिति क्या होगी। हालात छत्तीसगढ़ के ये हैं कि पूरी बात जो है वो सरकार के हाथ से निकल चुकी है। सरकार आनंद फानन में लॉकडाउन तो लगा रही है, लगभग 3 से 5 शहरों में लगाया जा चुका है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतनी जल्दी नहीं दिखेगा क्योंकि जो कोरोना फैलना था वो फैल चुका है। अब सरकार बेशक डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अगले 10 दिन में देखने को मिलेगा, लेकिन इन 10 दिनों में हालात बद से बदतर हो रहे हैं और यही वजह है कि बात सरकार के हाथ से निकल गई है। जितने बेड हैं वो फुल हो चुके हैं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं, ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल पा रहा है, बेड ना मिलने की वजह से लोगों की मौत हो रही है, लोग सड़क पर जान दे दे रहे हैं। और उसकी कुछ तस्वीरें आपको रायपुर से लेकर छत्तीसगढ़ में रायपुर से लेकर राजनांदगांव से लेकर दुर्ग से लेकर बिलासपुर हर जगह आपको देखने को मिलेगी। नहीं विपिन, लेकिन सवाल यहाँ पर यह होता है कि ये सिस्टम जो आज वेंटिलेटर पर या शमशान घाट में या मॉर्चरी में दिखाई पड़ रहा है, या इसको लेकर संभावना आकलन नहीं कर पाई सरकार, प्लानिंग नहीं हो पाई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि लॉकडाउन का असर रातों रात नहीं होता है, वो 10 दिन 5 दिन 15 दिन के बाद नजर आता है। तो शुरुआती आंकड़े जब सामने आए तो क्या वहां स्वास्थ्य मंत्री सो रहे थे या उनको आकलन नहीं था पिछले साल जो कुछ घटनाएं सामने आई, क्योंकि ये दूसरा साल है कोरोना का, ये पहली बार नहीं आया है कि आप एक्सक्यूज दे सकते इस साल को लेकर ये प्लानिंग क्यों नहीं हुई इतने छोटे राज्य में इतने केसेस को लेकर? ये बड़े गंभीर सवाल है जो पूछे जाएंगे आगे। बिल्कुल, बहुत वाजिब सवाल है। जब पहली बार कोरोना 2020 में आया तब अगर सरकार से गलती हुई होती तो वो गलती क्षमा योग्य थी, लेकिन एक साल बाद जब एक साल से देश इस समस्या से जूझ रहा था और आप भी जूझे, ये राज्य भी जूझा, तो मुख्यमंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री क्या कर रहे थे, ये सवाल उठ रहा है और ये सवाल पूछा जा रहा है उनसे। सवाल ये है कि सैकड़ों में जब केस आ गए थे उस वक्त सरकार रिलैक्स क्यों हो गई, सरकार इसके लिए तैयार क्यों नहीं थी, सरकार ने जागरूकता क्यों नहीं फैलाई, क्यों सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करवाया गया, सरकार ने जो नियम कानून है उसका पालन क्यों नहीं करवाया? और आज भी जब छत्तीसगढ़ में मैं मौजूद हूं शुभांकर, तो मैं ये देख रहा हूं कि जो लोग लॉकडाउन को तोड़कर बाहर निकल रहे हैं उनको वापस घर घुमा दिया जाता है, जबकि उनका चालान होना चाहिए। जब तक डर नहीं होगा लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे। सरकार आज भी लोगों को रिलैक्सेशन दे रही है जिसका खामियाजा छत्तीसगढ़ पहले से भुगत रहा है, और अभी भी सरकार मानने और समझने को तैयार नहीं है कि मामला बहुत खराब हो चुका है, हाथ से निकल चुका है, गंभीर समस्या है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही कि अगर गंभीरता अभी भी नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या हाल हो सकता है यहां पर एक ऐसे छोटे राज्य का जो आज देश में नंबर 2 बना है और जहां सबसे पहले लॉकडाउन लगाया गया। बहुत गंभीर बात है विपिन, शुक्रिया आपका। आगे कुछ और खबरें हैं, हम उत्सव रुख करते हैं। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।